हेलो एवरीवन, स्वास्थ्य संपूर्ण में आप सभी का स्वागत है। ना ही पिज्जा, ना ही बर्गर, ना ही समोसा, ना ही कचौड़ी, आज हम आपके सामने लेके आए हैं बहुत ही डिलीशियस और सुपर क्रंची नाश्ता, जो बहुत कम तेल में बन के तैयार हो जाता है और ये आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसको बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए एक बर्तन में डालेंगे पानी, साथ ही डालेंगे नमक और 2 चम्मच इसमें डाल देंगे कोकोनट ऑयल और इसमें डालेंगे सूजी। अब इन सारी सामग्रियों को हम मीडियम आंच पर चलाते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 कप पानी में 2 कप सूजी का इस्तेमाल किया था और इसको चलाते हुए हम एक सॉफ्ट डो की तरह तैयार करेंगे। जैसा हमारा वो रोटी वाला डो होता है वैसा ही हमको तैयार करना है। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है। अब गैस की फ्लेम ऑफ करके ढक के इसको साइड में रख देंगे। इधर हमने एक चॉपर लिया है, उसमें डाला है धनिया की पत्तियाँ और ये कुछ सब्जियाँ जिसमें हमने डाला है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, अदरक और हरी मिर्च। इन सबको हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप इसको बारीक चॉप करके भी ले सकते हैं। हमें जल्दी था तो हमने इसको ग्रेट कर लिया है। अब इसको हम ऐड कर देंगे अपने तैयार किए हुए डो में और साथ ही इसमें डालेंगे 2 मीडियम आकार का आलू जिसको हमने उबाल के ठंडा कर लिया था और इसको हम ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर की हेल्प से। आप चाहें तो मैश करके भी डाल सकते हैं लेकिन ग्रेट करके डालना ज़्यादा सही रहेगा। अब फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, काला नमक हमने यहाँ पर डाला है और साथ ही डालेंगे इसमें चाट मसाला। अब इन सारी सामग्रियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका डो अच्छे से बाइंड नहीं कर रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं। हमने पैन में तेल लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे बर्मिसली। इससे हमारे नाश्ते का लुक तो बहुत ही अच्छा आएगा, साथ ही हमारा नाश्ता क्रंची भी होगा। अगर आपके पास बर्मिसली ना हो तो यहाँ पर आप सेसमे सीड भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब डो लेंगे और अपने हाथों से इस तरह से फैला देंगे और पैन के साइज में हम इसको लाएंगे और हाथों से स्मूथ कर देंगे और स्पैचुला की मदद से इसको फ्लैट कर देंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे तंदूरी मेयो और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। साथ ही लगाएंगे इसमें टमाटो सॉस, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और ये बच्चों को बहुत पसंद भी आएगा। और यहाँ पे हमने लिया है चीज़ स्लाइस, तो इसको तोड़ के हम इस तरह से अपने नाश्ते में सेट कर देंगे। अगर आपके पास मोजरेला चीज़ हो तो आप उसको भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, वो और भी अच्छा टेस्ट देगा। तो यहाँ पर हमने दूसरी टिक्की इस तरह से तैयार कर ली है और इसके ऊपर हम अच्छे से सेट करके लगा दिए हैं। अब ऊपर से हम इसमें बर्मिसली सेट कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तो आप इसको ढककर ही पकाइएगा। एक साइड से पक चुकी है तो हम इसको इसकी दूसरी साइड को भी पका लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है इसलिए आप इसको बहुत ईजिली अलटिए पलटिएगा। अब इसको ढक के इसकी दूसरी साइड को भी हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट पकाते हो गए हैं। अब इसको हम पलट के आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से सिक गई है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। ये ऊपर से एकदम क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट और चीजी है, तो ये आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you for watching.